नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच एक फिर से बेहतरीन सूचना को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो ये सूचना होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरा ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे कॉमेंट लोगों का आ रहा है, तो उस कॉमेंट को मैं डाउट को दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के में। और आपने अभी मेरा थंबनेल और टाइटल को देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं आज उसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ जो एक नौकरी लगाने के नाम पर किस तरह से फ्रॉडगिरी कर करके और लोगों को लूट करके लाखों करोड़ों रुपया लूट करके और भाग जा रहे हैं। मैं इसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, खास करके एक जो भेड़िए के तौर पर यानी कि भेड़िए के रूप में एक लुटेरा जो घूम रहा है इधर से उधर, कभी वो दिल्ली में घूमता है तो कभी वो पंजाब में जाता है, कभी गुजरात में जाता है, कभी बिहार में आता है, कभी यूपी में घूम रहा है, तो मैं उसी के ऊपर चर्चा करता हूँ। अच्छा, साथ में आप फोटो में जो लगाया हूँ ये फोटो को पहचानिए, क्योंकि ये इसका नाम है प्रीतम राज। और ये प्रीतम राज मेरे कॉन्टेक्ट में जब आया तो ये प्रीतम राज बन करके आया, यानी कि अपना नाम प्रीतम राज बनाया। हो सकता है जब ये आपके कॉन्टेक्ट में जाए और आपसे अभी तक अगर कोई कॉन्टेक्ट कर रखा हो तो हो सकता है अपना नाम कुछ और बताया हो, अपना काम कुछ और बताया हो, अपने आप को कुछ और साबित किया हो आपके सामने। लेकिन अपना नाम तो बदल सकता है, अपना काम वो झूठा बना सकता है, बदल सकता है, लेकिन अपने चेहरे को कैसे वो छुपा लेगा। इसीलिए मैं ये फोटो भी साथ में लगा रहा हूँ कि आप ये फोटो को भी साथ साथ देखते जाएं। इसकी पूरी डॉक्यूमेंट मैं पूरा से इसका जितना भी प्रूफ है वो सब मैं इसमें लगाऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और खास करके जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, जो बच्चियां हैं, जो शादी करना चाहती हैं लव मैरिज, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुका है, जिनके घर पे फादर ब्रदर ये सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अगर शादी करना चाहते हैं, और खास करके जो शादी.com या कोई भी जो वेबसाइट के थ्रू जो शादी करना चाहते हैं, वो महिलाएं और बहनें लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहेंगे। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड यानी कि प्रीतम राज से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना करके पोस्ट कर रखा है। ये मैं जो बना रहा हूँ ये 4th वीडियो है उसका। और वो 3 वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लगभग नहीं तो 5-6 महिलाएं वीडियो देखने के बाद बचे हैं, बहुत सारे जो नौकरी लगाने के लिए जो अपने आप को नौकरी के सबको आज बेरोजगारी के दौर में सब कोई को नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए उससे पैसे ठगने से बहुत लोग बच गए हैं। तो उसी पर बहुत सारे कमेंट मेरे पास से जब आने लगा तो मैं एक और सोचा कि इस पर और एक डिटेल वीडियो और बनाया जाए। तो अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो आप लास्ट तक ये वीडियो में बने जरूर रहें। और सबसे अनुरोध खास करके है इस वीडियो से, 20 वीडियो के लिए, कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक आदमी अगर 10 आदमी के पास शेयर करेगा तो बहुत सारे लोग इससे फ्रॉडगिरी से बच सकते हैं। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसका नाम है प्रीतम राज, और ये एक सिन्हा ऑफ ग्रुप कंपनी, सिन्हा ग्रुप ऑफ कंपनी जो सिक्योरिटी का, सिन्हा ग्रुप ऑफ कंपनी एक सिक्योरिटी कंपनी का अपने आप को मालिक बताता है कि मेरा सिन्हा ग्रुप कंपनी है, मेरा मेट्रो के अंदर टेंडर हुआ है और टेंडर भी मैं लगा रहा हूँ, टेंडर भी ये देखिए, सिक्योरिटी कंपनी का एक सर्टिफिकेट भी आप देखिए, ये सब इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, वो सब आप देखते जाइए और साथ में बातों को सुनते भी जाइए। तो ये जो वीडियो, ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसका नाम है प्रीतम राज, और ये हर जगह यानी कि जब आपसे कॉन्टेक्ट में आएगा तो आपको कुछ और ही नाम बताएगा, अपने आप को जो काम करने का इसका जो है वो कुछ और ही बताएगा। हो सकता है आपके पास जैसे कि वकील बन के आए, कोई नेता बन के आए, कोई मालिक बन के आए, कोई कंपनी का ओनर बन के आए, मतलब किसी भी रूप में आपके पास ये आ सकता है। तो आप इसके बातों में बिल्कुल ही विश्वास मत करें, प्लीज आप इसके चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़े। अच्छा, ये अगर जो वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, ये जो चाहे मेरा 3 और जो वीडियो है, अगर आपके कॉन्टेक्ट में ये प्रीतम राज है और अगर आप इस वीडियो को उसको दिखाते भी हैं कि ये देखिए आपके खिलाफ ये जो वीडियो बनाया गया है इस पे आप क्या बोलेंगे, तो वो मेरे को अपने आप का कुछ भी रिलेटिव बता देगा कि मेरा ये भाई है, चचेरा फुफेरा ममेरा
दोस्त महीप गांव घर गोतिया नैया मतलब कुछ भी मेरे आपको मेरे बारे में बता देगा कि ये है मेरा और इसके साथ मेरा झगड़ा चलता है, ये मेरे माँ बाप के कुछ भी किया हो मरवा दिया हो, मेरा जमीन हड़प लिया है, इसके साथ मेरा केस चलता है, इसलिए मेरे विरुद्ध ये प्रोपगंडा उड़ा रहा है यानी मेरे विरुद्ध ये वीडियो बना रहा है मेरे को बदनाम करने के लिए। तो आप इसके इस बातों में कतई ना आए, बिल्कुल ना आए। आपको अगर ये लगता है कि एक इससे एक दुश्मनी के कारण बना रहा हूं तो ऐसे ही बात नहीं है। मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बिहार से मेरे कॉन्टेक्ट में 1600 आदमियों का लगभग 2 करोड़ रुपया लेकर के नौकरी लगाने के नाम पर हड़प के निकल गया है, और जो 1600 आदमियों का रुपया लिया है ये कोई किसी से 10 लाख का 5 लाख नहीं लिया है, एक आदमी से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे किसी से 5,000 किसी से 10,000 किसी से 1 लाख किसी से 2 लाख किसी से 3 लाख किसी से 5 लाख, यहां तक कि सबसे कम अमाउंट 2,000 रुपया भी एक आदमी से लिया हुआ है ये। तो अगर आप ये सोचते हैं कि 2,000 चल गया तो क्या हो गया, तो 2,000 तो एक आदमी का ठीक है 2,000 चला गया, अगर 2,000 करके आप अगर 1600 आदमियों का जोड़े तो लाखों करोड़ों में अमाउंट बनता है। और एक नौकरी लगाने का जो इसके पास ठेका है वो सब विभाग में है, चाहे आप इससे पुलिस का बात कर लीजिए, चाहे आप इसका डिफेंस में किसी से बात कर डिफेंस के बारे में बात कर लीजिए, चाहे रेलवे में रेलवे से संबंधित बात कर लीजिए, चाहे मेट्रो से संबंधित बात कर लीजिए, हर स्टेट का हर डिपार्टमेंट का ये ठेका ले लेता है कि मैं तो इसमें आपको 100% नौकरी लगवा ही दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, सबसे मेन ये टारगेट करता है उस महिला या औरत या लड़की को जिसके घर में अकेली वो लड़की हो, यानी कि उसके माँ बाप या तो बहुत कम पढ़े लिखे हों या उसके माँ बाप हो ही ना, या तो माँ बाप को इतना पता ना हो मीडिया और क्या बोलते हैं मोबाइल और ये जो सोशल मीडिया इस सब के बारे में, उस लड़की को ये टारगेट करता है। और ज्यादातर शादी.com से आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, और शादी.com से जाकर के कॉन्टेक्ट करने के बाद आपसे हो सकता है इस बीच शादी भी कर लेगा। अच्छा, इसने अभी तक 10 शादी कर चुका है, अगर जो इसके कॉन्टेक्ट में अभी भी कोई अगर महिलाएं लड़की औरत अगर हैं, आप ये सुन करके आपके जमीन पैर तर से जमीन खसक जाएगा, 10 शादी इसने ऑलरेडी कर चुका है, एक शादी इसका जिनून है जिसका बच्चा भी है उसको भी ये छोड़ रखा है, और ये रहने वाला है बिहार के बेड़ना का, ये सारा इसका डिटेल ले चुका हूं। जब ये आपके कॉन्टेक्ट में है हो सकता है आपको अपने आप को दिल्ली बताए और कहीं और बताए, लेकिन आप इसके बातों में बिल्कुल ही ना आए। अगर आप एक बार इसके बात में आएंगे तो आपको पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो बस सब जितने भी महिलाएं उनसे गुजारिश है कि आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल पता कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ कदम उठाइए, क्योंकि अपने आप को ये बता रहा होगा आपको कि मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा माँ मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा जमीन सब हड़प लिया, मेरा झगड़ा चल रहा है, मेरा केस चल रहा है, बहुत तरह के बात आपको घुमा रहा होगा बता रहा होगा, लेकिन इसके बातों में मत आए। इसका काम है सिर्फ फ्रॉडगिरी करना, नौकरी लगाने के नाम पे सभी से पैसे को वसूलना, यानी कि एक आदमी से 10,000-20,000 जैसा आदमी पट जाए उस हिसाब से लेगा। अच्छा, खास बात यह है ये मेट्रो में आईडी चेकिंग स्टाफ के नाम पर ज्यादातर को लोगों को ठग रहा है। इसके पास एक टेंडर है जो मैं वीडियो में लगाया हुआ हूं, आप टेंडर भी देखे होंगे, अगर आप टेंडर नहीं देखे तो वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले ले उसका, ये सब इसके पास फ्रॉड का कागज है, कोई कागज इसका ओरिजिनल नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब मैं लगाया हुआ हूँ, सबको आप चेक करिए, सब फ्रॉड वाला है, कुछ इसका ओरिजिनल नहीं है। अपने आप को नाम में प्रीतम राज बताया है, लेकिन आपसे जब कॉन्टेक्ट में होगा ये कुछ और नाम बताया होगा, लेकिन ये चेहरा नहीं छुपा सकता, चेहरा कहाँ छुपाएगा, इसको तो बिहार में तो ये आ नहीं सकता है अब, क्योंकि इसको 1600 आदमी इसको ढूंढ रहा है कि कब ये मिले और कब मैं इसके ऊपर कार्रवाई करवाऊं, इसके ऊपर FIR भी हो रखा है, इसलिए छुपता फिर रहा है। तो सबसे पहले तो ये शादी करेगा आपसे, शादी करने के बाद आपके जितने भी रिलेटिव है, लड़की का रिलेटिव, अपना रिलेटिव में नहीं, लड़की का जो भी रिलेटिव है, चाहे वो फुआ बुआ मामा ताऊ जितने भी आपके रिलेटिव है, सब रिलेटिव में ये आपको 4-व्हीलर गाड़ी से लेकर के घूमेगा,
और घूमने का इसका मेन मकसद ये होता है कि इसके जो रिलेटिव है उसमें कौन पैसे वाला है और किसको नौकरी के चाहिए। आजकल बेरोजगारी में हर कोई को नौकरी चाहिए, और कौन कम से कम पढ़ा लिखा है। यहाँ तक कि अगर कोई आपके बाहर में नौकरी भी कर रहा होगा ना, उसको भी वहां से छोड़वा के मंगा लेगा कि आप वहां छोड़ दीजिए नौकरी, वहां रिजाइन मरवा देगा आपसे, तो आपका वो भी नौकरी गया और यहां से पैसा भी गया और कहीं के नहीं आप रहेंगे। वो आपके जितने रिश्तेदारी है वो सब में ये घूमेगा, घूम के ये सबको मॉनिटरिंग करेगा कि कहां से हमको माल मिल सकता है, यानी कि पैसा कहां से हमको पैसा मिल सकता है, और वहीं पे उल्टा पलटा समझा समझा करके आपके अपने बातों में ये ले लेगा और वहां से पैसा मंगवाएगा आपसे, यानी कि जिस लड़की के रिलेशन में घूमेगा वो लड़की के मार्फत ही पैसा ये मांगेगा, अपने से कहीं डीलिंग नहीं करेगा, सिर्फ अपने से बात करेगा, पैसा आपको मंगवाएगा, इनको दीजिए और उनसे आपसे ये पैसा लेगा। यहां तक कि आपके कॉन्टेक्ट में अगल बगल मोहल्ला टोला जितने भी हैं वहां से अगल बगल के भी लोग से पैसा जो लेगा वो आपके थ्रू लेगा, ताकि अगर ये चला भी जाए तो लोग आपको पकड़े पैसा के लिए कि मेरा पैसा दीजिए, वो आपको जानता है इसलिए आपके थ्रू ये पैसा लेगा, न कि अपने नाम से पैसा वो अपने उठाएगा, अपने अकाउंट में ले लेगा। इसका अकाउंट एक दो गो नहीं है, इसका अकाउंट भी मैं लगा रहा हूँ, आप इसका अकाउंट भी देख लीजिए, सारा डॉक्यूमेंट मैं इसमें लगा रहा हूँ वीडियो में, आप सब वीडियो सब फुटेज ये सारा कुछ आप देखिए। और इसने अभी तक 10 शादी तो कर चुका है, ग्रामा नंबर लगाया हुआ है, ये भी मतलब मुझे पता चल गया है कि ये ग्रामा नंबर लगा रखा है शादी करने के लिए। आप सचेत हो जाएं, अगर अभी तक आपको इसकी हकीकत नहीं पता चला है तो इस वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल सचेत हो जाएं। आप कम से कम अगर कुछ नहीं तो आप इससे ये बोलें कि आप मेरे अपने रिलेटिव में, यानी जो प्रीतम राज है उसको बोलिए कि अपने रिलेटिव में मेरे को लेके चलिए, नहीं लेके जाएगा वो, बोलेगा मेरा कोई है ही नहीं। अरे कहीं नहीं है तो कहीं तो कोई होगा, इसका कहीं तो पैदा लिया होगा, नहीं लेके जाएगा। इसका एक सिस्टर है जो चाय की दुकान चलाती है, उसको लोग जब पैसा के बारे में तगादा करने लगे वो छोड़ के भाग चुकी है। इसका भाई भी है, इसका बच्चा भी है, इसकी बीवी भी है, बीवी की तो कमी नहीं है इसके पास, इसका मेन मकसद ही यही है। और अच्छा दूसरी बात और, शादी के लिए जब आपके पास शादी.com से या किसी तरह से जब शादी के लिए आपके पास जाएगा, जितनी जरूरी है कि आप अपने शादी के लिए गोल्ड माने कि सोने के ज्वेलरी वगैरह बनवाएंगे ही बनवाएंगे, वो क्या करेगा कि जितने भी आप गहना जेवर जो बनवाएंगे अपने पहनने के लिए, वो सारे गहना जेवर को ये ले लेगा और ले करके बोलेगा मैं मंदिर में चढ़ाने जा रहा हूँ, मैं उधर आज भगवान को चढ़ाने जा रहा हूँ, चढ़ाने के बाद शुभ काम है इसलिए चढ़ा करके तब आप पहनना। हो सकता है इस बीच आपको साथ भी लेकर के चले कि चलो साथ में, आप दोनों साथ में जाएंगे, उस जितना भी आपके पास गोल्ड है ज्वेलरी है वो सब लेकर के लपता हो जाएगा। हो आपको यहां तक भी हो सकता है मंदिर में ही छोड़ के भाग जाए, उससे आपको इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, क्या होगा, क्या जाएगा, इसको तो मतलब है लूटने से। तो अभी तक जो भी इसके कॉन्टेक्ट में हैं या आए हैं तो कृपया करके इसको पकड़े, पुलिस को दें और इसको दंडित करवाएं, कानून अपने हाथ में मत लें, लेकिन इसको पकड़े जरूर, पुलिस को जरूर इसको दें और पुलिस से इसको हिसाब किताब अपने आप करवा कर लेगा। तो वीडियो ये बनाने का मेन, अच्छा सबसे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसके पास एक सिक्योरिटी कंपनी है जिसका नाम है सिन्हा ग्रुप ऑफ कंपनी, जो कि गुजरात बलसाड़ का एड्रेस है, उस पर वो सब गलत है। इसके नाम से एक टेंडर है मेट्रो रेलवे आईडी चेकिंग के नाम से दिल्ली में, वो सब गलत है। और इसके नाम से एक और कुछ है, ध्यान नहीं अभी आ रहा है, एक और है कोई कंपनी, वो भी सब इसका फ्रॉड है, गलत है। इसका आधार कार्ड पैन कार्ड सब गलत है। तो आप इसके डॉक्यूमेंट, हो सकता है डॉक्यूमेंट के चक्कर में न पड़े कि इसका जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है वो सब सही है, सब गलत है इसका। इसी बीच हो सकता है जो भी लड़की हो चाहे जो भी इसके खास कॉन्टेक्ट में है, ये सिन्हा ग्रुप ऑफ कंपनी का सेक्रेटरी आपको बना दे, आपको इसमें कुछ ऊंचे पोस्ट पे डाल दे, क्योंकि उसको सिर्फ तो तुम सोशल मीडिया पर डालना है, ये तो है नहीं कि कहीं पे आपको गवर्नमेंट के उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसको तो सिर्फ डालना है और दिखाना है, आपको बेवकूफ बनाना है। तो बेवकूफ बनाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, इसके बातों में बिल्कुल ना आए। ये यहाँ तक ये बोल भी रहा होगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा दुश्मन है, मेरा ये है, मेरे बहुत बुराई आपको कर रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इसको खुद ढूंढ रहा हूँ कि ये कहाँ ये मिले, मेरे को अगर ये दिख जाए तो मैं तो इसके ऊपर उसी दिन कार्रवाई करवा दूंगा पुलिस के द्वारा, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ। मैं ही क्या 1600 आदमी बिहार से ढूंढ रहा है,
900 आदमी दिल्ली में इसको ढूंढ रहा है और लगभग 400 आदमी गुजरात में ढूंढ रहा है, सूरत से लेकर लपता है, उसके बाद पंजाब से कुछ आदमियों को लेकर लपता है, कानपुर से लेकर के लगभग 250 आदमियों का लपता है, आने के बहुत लोगों का ये लगभग करोड़ों रुपए लेकर के लपता हो चुका है। और इसका जो एक एड्रेस साकेत नगर दिल्ली में भी है, वो साकेत दिल्ली को भी लोग ट्रेस कर रहे हैं पकड़ने के चक्कर में। ये छुपेगा तो नहीं, आज न कल तो ये पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा किसी न किसी को। तो बस सिर्फ आपसे गुजारिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस वीडियो को खास करके इतना से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग जो भी इसके कॉन्टेक्ट में अगर कोई हैं तो वो बच जाए, इसको लूटने से बच जाए वो बच, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है और इसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लूटना जानता है। तो ये इसके फोटो को देखें भी और ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, और इसके बातों में तो मत आए, ये 200% इसका बात सब झूठ है। ये पता नहीं पैदा किसने किया है इसको, ये न समझ में आता है। तो 200 बात इसका बिल्कुल झूठ है, इसके बात में बिल्कुल न फंसे। ये गोल गोल बात करके आपको फंसाएगा, शादी भी कर लेगा, आपको लूट के निकल जाएगा और फिर अगला क्लास टारगेट में निकल जाएगा। इसके पास सब डिपार्टमेंट का है ठेकरा, चाहे वो आप पुलिस विभाग ले लो, चाहे वो डिफेंस विभाग ले लो, होम मिनिस्टर ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट। और ये DGP और मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर जो क्या बोलते हैं गृह मंत्रालय, इनके नीचे तो ये बातें नहीं करेगा आपसे, बेवकूफ बनाने के लिए आपको लंबे लंबे बहुत बातें करेगा। तो आप इसके बात में बिल्कुल ना आए। इसका नाम है प्रीतम राज, आपसे जब ये कॉन्टेक्ट कर रहा होगा तो कुछ और नाम बताया होगा, किसी को ये वकील बताता है, वकील साहब बताता है, किसी को ये अपना बिजनेसमैन बताता है, किसी को ये सिक्योरिटी कंपनी का क्या बोलते हैं ऑनर बताता है, किसी को कुछ बताता है, कहीं पे बताया हुआ है कि मेरे 8-10 कंपनी है, कहीं पे बताता है मैं बड़ा बिल्डर हूँ, कहीं पे कुछ बताया, मतलब ये बताने का कुछ भी बताता है। इसके बातों में मत आए, ये कुछ भी नहीं है, जीरो है, इसका काम है सिर्फ लूटना, नौकरी के नाम पे, शादी के नाम पे, लोन के नाम पे, कंपनी लगाने के नाम पे। एक आदमियों का तो 2 बीघा मतलब लगभग 2 एकड़ में जो पेड़ लगे होते हैं शीशम के और सगमान के, वो पेड़ को कटवा करके और बेच दिया सब अपने, और बेच के बोला कि यहाँ पे मैं एक कंपनी लगाने वाला हूँ, और लगाया भी कुछ नहीं और वहां से लपता भी हो गया। इस बीच वो नापी कर करके वहां पे वो तार का बाउंड्री भी कर दिया और लेके लपता हो गया, क्योंकि अगर 20 लाख रुपया का कहीं पे ये कोई चीज लूट रहा है, वहां पर अगर 1 लाख रुपया ये खर्च भी कर देता है तो इसके लिए कोई भारी बात नहीं है। हमेशा ये 4-व्हीलर में घूमेगा, हो सकता है 3-4 गाड़ी लेके घूमेगा। तो आप इसके ये भी बातों में मत फंसे कि इसके पास 3 गाड़ी है, 4 गाड़ी है, तो ये बहुत बड़का ये कुछ भी नहीं है। इसको तो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहां मिले, इसके ऊपर लगभग नहीं हो तो 2000 से ऊपर FIR हो चुका होगा अभी तक, बाकी तो होने वाला है। तो आप इसके चक्कर में बिल्कुल न पड़े, जितने भी हैं इस प्रीतम राज से सचेत हो जाएं, लूटने से बचें। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना। अभी तक के ये मेरे वीडियो देखने के बाद लगभग नहीं हुई तो 5-6 महिलाएं जो सिर्फ शादी करने से बचे हैं मेरे वीडियो देखने के बाद। तो ज्यादा से ज्यादा आपको यही अनुरोध है कि आप इससे बच के रहें, ये अभी तक 10 शादी कर चुका है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ही वीडियो इस पे लाऊंगा जॉब से रिलेटेड और आपको सचेत करने वाला। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सचेत रहें, सुरक्षित रहें।